हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूही अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि साबूदाने की पकौड़ी कैसे बनती है। 2 घंटे पहले मैंने साबूदाने भिगो के रख दिए थे और इसको अभी मैं धो के ले आई हूँ। और मैं यहाँ पे 8 आलू को उबाल के, मीडियम साइज़ के आलू लिए मैंने, उबाल के छील के यहाँ पे रख लिए हैं। 8 से 10 हरी मिर्च लिया है मैंने, इसे मैंने धो के काट लिया है। और मैंने जीरा भी यहाँ पे लिया थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती, नमक और मूंगफली, मूंगफली मैंने भून के इसके छिलके निकाल दिए हैं और बारीक काट लिया है। अब मैं आपको स्टार्ट करूंगी साबूदाना का पकौड़ी बनाने की विधि। मैंने आलू मैश कर लिए हैं जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। अब मैं साबूदाने में आलू मिला दूंगी। मैंने साबूदाने में आलू अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें मूंगफली डालूंगी। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, जीरा जो मैंने खड़ा जीरा लिया था वो, धनिया पाउडर, धनिया की पत्ती, बार बार मुझसे मेरे धनिया पाउडर निकल जा रहा है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक मैं स्वाद अनुसार डालूंगी। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हो तो ज़्यादा नमक डालिए, कम नमक खाते हो तो कम नमक, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप अपना नमक डाल सकते हैं। अब हम इसे मिलाएंगे। हम इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि नमक कहीं कम और ज़्यादा ना रहे। मैंने सभी सामग्री को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हाथों में तेल लगा लेंगे ताकि ये हाथ पे चिपके ना। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। कटलेट का शेप देना चाहें तो कटलेट का दे सकते हैं, बॉल्स देना चाहें तो बॉल्स भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे मटेरियल को मिला लेंगे और बॉल्स बना लेंगे सबका। मैंने कढ़ाई में तेल लिया है। हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने बॉल्स बनाए थे अब हम इसमें डालेंगे। साबूदाने की जो बॉल्स हमने बनाए हैं वो तेल में तभी डालिएगा जब आपकी तेल एकदम हीट हो, क्योंकि आप धीमे तेल में डालेंगे, गर्म तेल में, तो आपके साबूदाने के जो बॉल्स हैं वो तेल में जाते ही फट जाएंगे। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि तेल आपके हमेशा हीट होने चाहिए, तभी आपके बॉल्स फटेंगे नहीं, गोल रहेंगे और करारे बनेंगे। अब हम हमारा एक तरफ से हो गया, अब हम इसको पलटेंगे ताकि दूसरे तरफ से भी अच्छे से हो जाए। ये देखिए हमारा साबूदाना पकौड़ी की बढ़िया बन रही है। इसे आराम से भी चलाइएगा क्योंकि ये अगर झरनी ज़्यादा लगेगी तो ये फट भी सकता है। ये थोड़ा रिस्क है बनाने में, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए। हमारे बॉल्स बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे। देख
देखिए गाइस हमारा बॉल्स बन के तैयार है। अब हम इसमें आपको काट के दिखाऊंगी, एकदम क्रिस्पी करारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना क्रंची एंड क्रिस्पी बना हुआ है हमारा बॉल्स। ये आपको स्वाद में भी बहुत बढ़िया लगेगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।